वीवो ने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि वो 20 फरवरी को अपने दो फ़ोन लॉन्च करने वाली है, जो है V50 एंड V50 Pro। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको V50 Pro के बारे में कुछ, इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड डिस्प्ले साइज, सब कुछ इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में आपको पूरा बने रहना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं Vivo V50 और V50 Pro के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन टाइम पे देता रहूं। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो भैया, डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा मस्त और एकदम लुकिंग इस फ़ोन का देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको नीचे का देखने के लिए मिल जाएगा माइक, स्पीकर एंड ऑडियो जैक, और आपको इसमें देखने के लिए चार्जिंग पोर्ट भी नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वॉल्यूम अप एंड डाउन, और इसके नीचे देखने के लिए मिल जाएगा आपको पावर ऑफ ऑन का बटन। कैमरा की बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको कैमरा तो पता ही होगा कि एकदम सेटअप टाइप में आपको इसमें कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो भैया, आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा 6.49 इंच का डिस्प्ले, जो कि होगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और दोस्तों, इसमें आपको एक और बढ़िया फीचर देखने के लिए मिल जाएगा, जो इसकी डिस्प्ले होगी वो होगी गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड। अभी ये कंफर्म नहीं है गोरिल्ला ग्लास होगा 5 या फिर 6, तो ये तो हमें लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। ये सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें चिपसेट की। तो भैया, चिपसेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 675 आपको इसमें चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको 2 GHz का डुअल ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो दोस्तों, स्टोरेज के नाम पे इसमें आपको 6 GB तक की रैम उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी प्रो में। और दोस्तों, अगर आप इस इंटरनल मेमोरी की बात करें, तो इसमें 128 GB तक की आपको इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है इस फ़ोन की अपने फीचर्स में। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। दोस्तों, बैटरी इसमें आपको देखने मिल जाएगी लिथियम आयन की बैटरी, 4500 mAh की बैटरी, जो बहुत ही ज़्यादा आपको लंबी बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि आप जल्दी जल्दी से अपने फ़ोन को चार्ज करके जल्दी जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ोन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। आप समझ गए होंगे, यानी कि हम बात करने वाले हैं कैमरा की। दोस्तों, बात करें रियल कैमरे की, तो भैया इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें देखने को मिल जाएगा विद डुअल कलर फ्लैश, ये जिनमें होगा एक कैमरा 48 MP का, एक होगा 8 MP का, तो भैया तीसरा होगा भैया हमारा 5 MP का, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। भैया, हमारा ट्रिपल हमारा कैमरा सेटअप है वो भैया फ़ोन की बैक साइड को एकदम अलग ही लुक देने के लिए भैया बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अब बात कर लें तो इसके फ्रंट कैमरे की, तो भैया फ्रंट कैमरा इसमें आपको देखने मिल जाएगा 25 MP का आपको फ्रंट कैमरा इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की, तो भैया इसमें फ्रंट कैमरा आपको 32 MP का देखने के लिए मिल जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। विद सटर टाइप जो हमारा Vivo Next था, उसमें आपको जिस टाइप में आपका कैमरा मिला था, उसी टाइप में आपको देखने के लिए इसमें कैमरा मिल जाएगा। भैया, वीडियो के लास्ट में बात कर लेते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो भैया छोटी सी बात है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बड़ा फ़ोन है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भैया एंड्रॉयड पाई ही देखने के लिए मिल जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। नए नए फीचर्स की जो बात करें एंड्रॉयड पाई की, तो भैया बहुत ही तगड़े इसमें फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड्रॉयड पाई के। दोस्तों, अब देखना यह है कि आप जब फ़ोन रिलीज़ होता है, तो भैया कितना ये फ़ोन चलता है। अगर आपको फ़ोन अच्छा लगा, तो यार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो यार आपको पता है वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी आपको पता है वीडियो को डिसलाइक करना। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो हमें कारण भी ज़रूर बताना अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अगली वीडियो में आपको सुधार करके वीडियो दे सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है अंकित, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ इस वीडियो में। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।